नमस्ते, मेरा नाम प्रिया मल्होत्रा है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। और मेरी ध्यान की यात्रा करीब करीब 2 साल पहले से शुरू हुई और आनापानसती से, लेकिन मैं 1 साल पहले से ही जुड़ी। और आनापानसती करने जब मैंने ये ध्यान यात्रा मेरी शुरू हुई, उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आई और मेरा सोचने का तरीका, मेरी स्टेबिलिटी, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मेरे सोचने का ढंग बदल गया और मैंने जो जो चीज़ें मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की, उसके हिसाब से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा परिपक्वता आ गई हर सिचुएशन को लेके सोचने के लिए कि कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे करना है। और मेरा बचपन, मेरा जन्म जो है बहुत आध्यात्मिक फैमिली में हुआ और बचपन से ही संस्कार ऐसे मिले, सत्संग सब कुछ इसी तरह का था और किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छी फैमिली में मैं पली बड़ी और कभी कोई दुख मुझे नहीं, कभी फील नहीं किया। बहुत अच्छी जर्नी रही और बहुत अच्छी परिवार में मेरी शादी हुई। उसके बाद मेरी 2 डॉटर्स हैं, बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी। और 2016 में मेरे मदर एक्सपायर हो गए। उसके बाद से जो सिचुएशन थी, उससे निकलने के लिए मुझे लगभग 3 साल लग गए। मैं इतनी अनस्टेबल हो गई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मैं क्या करूं, मैं कैसे मैनेज करूं, मेरा सब कुछ जैसे अस्त व्यस्त हो गया था। उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी और फिर हालांकि मैं बुक्स भी पढ़ती थी, बहुत ओशो को भी सुना, उनको पढ़ा भी, ओशो को बचपन से ही पढ़ने का भी बहुत शौक रहा है। और फिर उसके बाद 2021 में मैं आनापानसती से जुड़ी और उससे जुड़ने के बाद मैं स्टेबल हो गई। मुझे वो डिफरेंस पता चल गया कि कुछ सब कुछ है तो नश्वर, सुनते तो थे लेकिन प्रैक्टिकली जिस चीज़ को अनुभव किया। और फिर जनवरी 2022 में मेरे मदर इन लॉ भी एक्सपायर हो गए। उसमें ये डिफरेंस रहा कि मुझे जो मेरे मदर की उनके जाने के बाद मुझे 3 साल लगे संभलने में, और मेरे मदर इन लॉ जाने के बाद मैंने अपने आप को बहुत, मुझे ऐसे था कि कुछ भी नहीं हुआ है, वो एक उनकी जर्नी ख़त्म हुई, नेक्स्ट शुरू होने वाली है। तो ये मेरे माइंड में जब वो थे वहाँ पे, जब वो चले गए, उसके बाद मैंने उनको ब्लेस किया, अपने आप को उनकी सोल को ब्लेस किया कि उनकी जर्नी के लिए बहुत अच्छी जर्नी हो। और मैं रोई भी नहीं इस चीज़ को लेके, और मैंने बहुत जल्दी कवर अप भी कर लिया। मुझे ये ज्ञान हो गया कि वो अपनी जर्नी पे गए हैं। तो ये जो जाना उनका, फिर मेरी डॉटर की अब शादी भी है जैसे अक्टूबर में, तो मैं कोई भी बात करता है तो मैं एकदम से मेरे से संभला नहीं जाता था। और ये आनापानसती ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे दी कि हर सोल की अपनी जर्नी है और उसने अपनी जर्नी करनी ही है। एक डॉटर है, दूसरी डॉटर, हर किसी ने कुछ भी स्टेबल नहीं है। ये सब मैंने आनापानसती से ही सीखा और मुझे बहुत कुछ मिला है इससे। मैं अपना ध्यान की जो जर्नी है उसे लोगों में सिखाती भी हूँ। ध्यान जो भी मेरे कॉन्टेक्ट में आता है, मेरी मेड, मेरे जानने वाले, जो भी कोई आता है। हालांकि अभी परिवार में तो इतना कोई ध्यान से नहीं जुड़ा, लेकिन मुझे हर तरह से सपोर्ट करते हैं। मुझे कभी किसी ने नहीं रोका, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। हाँ, तुम करो, तुम्हारी जर्नी है, तुम जाओ, तुम जैसा तुम्हें अच्छा लगता है करो। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। PMC हिंदी की वीडियो सुनने के बाद ही मैं उसे कनेक्ट हुई और उसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और मैं रेगुलर ध्यान करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबको कनेक्ट कर पाऊँ, मैं सर्विस दे पाऊँ। मैं अपनी जितनी लाइफ है, मैं उसका एक एक स्टेप अपनी लाइफ का मैं उन ध्यानियों के साथ बिताऊँ और बहुत सबको ध्यानी बनाऊँ। ये लोगों को बताऊँ कि लोग इतने डिस्टर्ब्ड हैं, हर फैमिली में डिस्टर्बेंस है, पेरेंट्स डिस्टर्ब हैं, हर कोई अपने आप को अकेला फील करता है, हर कोई डिस्टर्ब है, मेरे बच्चे साथ नहीं हैं।
और बच्चे कहते हैं हमें पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, हर किसी की अलग अलग जर्नी है। एट लास्ट सब कोई अंदर से दुखी है, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो जो अंदर से शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, मैं चाहती हूँ कि उन सब से मैं सबको उस सुकून से मिला दूँ, अपने आप से सबकी इंट्रोडक्शन करवाऊँ कि तुम सब जो बाहर ढूंढ रहे हो वो है तो हमारे अंदर ही। और जो पत्री जी की ये ब्लेसिंग हम सबको मिली है उसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद, पत्री जी का धन्यवाद, हर ध्यानी का धन्यवाद। तो ये ध्यान को मुझे फैलाना है। और मेरा एक और सपना है कि मेरे घर में पिरामिड बने और वहाँ पे आके लोग ध्यान करें और सबको सुकून मिले, सब उस हमारी यात्रा से जुड़ जाएं। धन्यवाद।